हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू इन मिरेकुलस वर्ल्ड। इफ़ यू आर न्यू ईयर, मैं हूँ सोनल। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मैं वीडियोस बनाती हूँ ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। ट्यूसडे और सैटरडे को मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात करती हूँ, और सिर्फ थर्सडे को मैं DIY, हॉल, स्किन केयर इन सब पर बात करती हूँ। टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो क्या है। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स डाइव राइट इनटू द वीडियो। 5x5 टेक्निक, अगर आप लोगों को नहीं पता है कि ये क्या है, तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक विच आई फाउंड इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि 5x5 और 3x3 ये ऐसी टेक्निक है, अगर किसी ने नहीं देखा है मेरा 3x3 वाला वीडियो, 3x3 वाली टेक्निक का वीडियो, तो मैं वीडियो के एंड में लिंक डाल दूँगी, आप लोग वहाँ जाके देख लीजिएगा। ये टेक्निक, मुझे ये सारी लिखने वाली टेक्निक इतनी ज़्यादा पावरफुल क्यों होती है मेरे लिए, बिकॉज़ आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको अपने हाथों से लिखना होता है, एंड दूसरी यहाँ पे आपका पूरा फोकस्ड, आपकी पूरी एनर्जी यहाँ पे होती है। तो ये मेरे लिए पूरा, जब जहाँ पे आपकी पूरी एनर्जी, आपका पूरा फोकस, पूरा अटेंशन होना, तो वो टेक्निक आपकी फुलफिल होनी ही होनी है। और जब आप कोई चीज़ लिखते हो तो पूरा कॉन्सेंट्रेशन, पूरा ध्यान आपका वहीं होता है। तो इसलिए मेरे को ये टेक्निक बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मेरे लिए तो काम करी ही है, आप लोगों के लिए भी 100% काम करेगी। सो बिफोर स्टार्टिंग, आई वांट यू गाइस टू रिमेंबर फ्यू पॉइंट्स, फ्यू टिप्स कि कैसे आपको करना है और कब करना है। योर इंटेंशन शुड बी प्योर, लॉयल एंड जेन्युइन। नाउ व्हाट डज इट मीन? आपके अंदर घृण, लालच, जिद, ज़बरदस्ती, गुस्सा, अहम, अकड़, ये सारी चीज़ों के साथ आपको नहीं लिखना है। लिखते टाइम ये सारी चीज़ें डालोगे तो उससे क्या होगा, नेगेटिविटी का इम्पैक्ट क्रिएट होगा। और जब आप लिख रहे हो ना, तो ये सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा भर जाएगी, और जैसे ही नेगेटिविटी भरने लगेगी आपके दिमाग में, तो आप क्या कर रहे हो, लिख रहे हो। तो आप यहाँ से लिख तो यहाँ से रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपका मन ही मन में आप बोले जा रहे हो। तो जब आप बोलोगे तो नेगेटिविटी भी साथ में आएगी, तो नेगेटिविटी के साथ साथ आपकी, आप जो लिख रहे हो वो भी चीज़ें आएगी। एंड वंस डैट कम्स, आप जो भी टेक्निक करोगे, कोई भी टेक्निक करो, ये वाली टेक्निक करो या कोई भी टेक्निक करो, बट गुस्से के साथ, लालच के साथ, घृण के साथ, नेगेटिविटी के साथ, इफ़ यू डू इट, वोंट वर्क, वो आपके लिए काम नहीं करेगा। एंड इंटेंशंस हाई होने का ये भी मतलब है कि इमोशनली यू नीड टू बी कनेक्टेड टू इट, जिससे आपका गोल अचीव हो, टू अचीव योर गोल, टू अचीव योर, टू फुलफिल योर विशेज, यू नीड टू बी इमोशनली कनेक्टेड टू इट। एंड ऑल्सो लास्ट, यू नीड टू टेक एक्शंस, यू नीड टू टेक एक्शंस, बट ऑल्सो यू नीड टू केयर ऑफ योर एक्शंस। सेकेंड इज बी स्पेसिफिक, यू नीड टू बी स्पेसिफिक इन व्हाट यू वांट, यू इफ यू वांट योर डिजायर्स, योर गोल टू अचीव, आपका जो भी XYZ आपने सोच रखा है कि मुझे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, जॉब चाहिए, लड़की चाहिए, लड़का चाहिए, दुल्हा चाहिए, दुल्हन चाहिए, जो भी आपका सोलमेट है आपको वो चाहिए, तो आपको एक एक चीज़ आपकी स्पेसिफिक होनी चाहिए। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वो भी मैं वीडियो के एंड में लिंक डाल दूंगी, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो वो वीडियो भी, वो मैंने वहाँ पे उतनी डिटेल में बात कर रखी है, इसमें मैं इतना डिटेल में नहीं बात करूँगी। लेकिन आपको, जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट अ जॉब, तो जॉब के लिए आपको किस तरह की जॉब होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कौन से लेवल की जॉब होनी चाहिए, ऑफिस कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। आपका 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 टेबल कैसा होना चाहिए, आपका क्यूबिकल कैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें यू नीड टू मेंशन। बेसिकली यू नीड टू बी वेरी 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 स्पेसिफिक, वेरी क्लियर इन व्हाट एग्जैक्टली यू वांट फ्रॉम यूनिवर्स टू फुलफिल योर गोल्स। टिप नंबर 3 इज, व्हेनेवर यू राइट, यू ऑलवेज नीड टू राइट इन प्रेजेंट टेंस। आपको इस तरह से इमेजिन करना है, आपको इस तरह से लिखना है। अगर आप कोई विजुलाइजेशन टेक्निक भी कर रहे हो, या ये वाली टेक्निक कर रहे हो, लिखने वाली टेक्निक भी, तो आपको इस तरह से लिखना है जैसे कि वो चीज़ आपके पास है। और जब कोई चीज़ आपके पास होती है, तो हाउ डज इट फील टू यू, कैसा लगता है आपको? लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपको, आपने कार इमेजिन की है, अगर आपका ड्रीम है कि आपको कार चाहिए, तो लाइक आई सेड इन टिप नंबर 1 दैट यू नीड टू बी स्पेसिफिक। टिप नंबर 3 में यू नीड टू राइट इन प्रेजेंट टेंस। और फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने कहा आपको गाड़ी चाहिए, कार चाहिए, तो यू नीड टू राइट कि आई एम थैंकफुल दैट आई एम ड्राइविंग माई न्यू ब्लैक BMW कार। आपको पूरा का पूरा लिखना है, आई एम थैंकफुल फॉर हैविंग दिस कार, या आई एम थैंकफुल दैट आई एम ड्राइविंग दिस कार, आपको इतना नहीं लिखना है। आई एम थैंकफुल फॉर ड्राइविंग दिस वंडरफुल सुपर्ब वेरी स्पेशियस BMW ब्लैक कार। इस तरह से आपको सारी चीज़ें लिखनी है, और प्रेजेंट टेंस में ही लिखना है, मुझे मिल जाए या मुझे मिल जाएगी। इस तरह से अगर आप लिखोगे
तो आपको सिर्फ मिलती ही रहेगी वो चीज़, आपके पास फिर 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में, 40 साल में कभी भी आ सकती है, क्योंकि आपने ये कहा है कि मुझे मिल जाए या मुझे मिल जाएगी। भले आप कितने भी विश्वास के साथ लिख रहे हो कि मुझे मिल जाएगी, लेकिन कब तक आपने वो यूनिवर्स को नहीं बताया, क्योंकि यूनिवर्स के पास और भी बहुत लोग होते हैं अपने विशेस को मांगने के लिए। दैट्स व्हाई वी से दैट यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक, वेरी क्लियर, वेरी फोकस्ड इन व्हाट यू वांट, एंड ऑल्सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर इन व्हाट यू वांट। ऐसी कोई चीज़ मत मांग लेना जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरी सलमान खान से शादी हो जाए, या फिर दूसरा एग्ज़ाम्पल कि आपको पता है सूरज कौन से दिशा से निकलता है, और आप बोल रहे हो कि मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि सूरज आज इस दिशा से नहीं बल्कि इस दिशा से निकले। पॉसिबल है? नहीं है। जिस दिशा से सूरज निकल रहा है उसी दिशा से निकलेगा। तो आस्क इन सच अ मैनर कि आपको पता है कि वो विश फुलफिल। बेसिकली यू नीड टू बी वेरी लॉजिकल, अपार्ट फ्रॉम क्लियर एंड स्पेसिफिक ऑल्सो यू नीड टू बी वेरी लॉजिकल। आपकी बात में ना वजन होना चाहिए कि येस, ये चीज़ है जो मुझे चाहिए और मुझे मिलेगी एंड यूनिवर्स मुझे देंगे, क्योंकि ये मेरी बात में वजन है। अब आपको ये करना कैसे है? फर्स्टली यू नीड अ पेन एंड अ पेपर। इफ़ यू हैव जर्नल विद यू, वेल एंड गुड, बट यू हैव नॉट, नथिंग टू वरी, आप कोई भी रफ पेपर उठा के ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली आपकी मेन क्या है, आप इम्पॉर्टेंट क्या है, आपका इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, जितनी भी आपके इमोशंस है, पॉजिटिव इमोशंस, नो नेगेटिव इमोशंस, या आपकी जितनी भी फीलिंग्स इमोशंस है, जितने भी इंग्रेडिएंट्स है, सब आपको इसमें डालने हैं। ये मोर इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि मैं कौन से पेन से लिखूँ या कौन से पेन से नहीं लिखूँ, आप कितने जेन्युइन हो लिखते टाइम, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कहा जाता है रेड या ब्लू से लिखो, बट अगेन चॉइस इज़ योर्स। मैंने ब्लू से लिखा था, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप भी ब्लू से लिखो या रेड से लिखो, कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू। बस आपकी इंटेंशंस, आपके इमोशंस उसमें जाने चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू राइट दिस इन प्रेजेंट टेंस में आपको लिखना है फॉर 5 days, 55 times यू नीड टू राइट दिस इन अ रो। जैसे प्रेजेंट टेंस में आपने एक लाइन लिखी, नीचे दूसरी लाइन, तीसरी, चौथी, 4, 5, 6, 7, आपको ये कंटिन्यूस 50 times लिखना है फॉर कंटिन्यूस 5 days। बाय एनी चांस, इफ इन केस इफ यू मिस्ड सम डे, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू हैव रोड मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, आपने लिखा, लास्ट डे आपसे मिस आउट हो गया, या मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपने लिखा एंड फोर्थ डे आपसे मिस आउट हो गया, तो फिर आप फिफ्थ डे को फोर्थ डे बना के और फिफ्थ डे सिक्स डे को फिफ्थ डे बना के लिख लो, ऐसा चलेगा? नो, ऐसा नहीं चलेगा। बाय एनी चांस इफ यू मिस्ड आउट, यू नीड टू रीस्टार्ट दिस प्रोसेस अगेन। व्हाई यू नीड टू रीस्टार्ट? क्योंकि आपका गैप हो गया, और गैप होना यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसलिए यू नीड टू बी वेरी प्रिपेयर्ड व्हाइल डूइंग ऑल दिस प्रोसेस, बिकॉज सी दिस इज़ नॉट अ जोक, दिस इज़ नॉट अ जोक, दिस इज़ नॉट अ गेम के फन के हिसाब से आप कर रहे हो। येस, यू डोंट हैव टू बी कनेक्टेड, आपके एकदम सबकॉन्शियस माइंड में आपको एकदम बिठा के नहीं करना है कि येस 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 मुझे ये करना है, येस येस येस, इस तरह से आपको नहीं करना है। बट योर इंटेंशन शुड बी क्लियर, एंड ऑल्सो लिखते टाइम आपको पूरी कहानियाँ नहीं लिखनी है, इट शुड बी शॉर्ट एंड स्वीट, क्योंकि आपको 55 times यू नीड टू राइट इन अ रो फॉर 5 days। तो लिखते लिखते कभी कभी क्या होता है ना, हाथ भी दर्द हो जाता है, जब हम लिख रहे ना तो हाथ पेन होता है, तो इट्स ओके, वो टाइम पे यू कैन कीप द पेन डाउन एंड यू कैन डू सम एक्सरसाइज और लाइक दिस। उठ के चले नहीं जाना है आपको कि एक टहल मार के आ जाओ या चलो एक राउंड पे जाके आ जाओ कि यू कैन गो फॉर अ वॉक। नो, यू कैन नॉट डू ऑल सच थिंग्स। इस तरह से आपको लिखना है, यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक, योर इंटेंशंस शुड बी क्लियर। ओके, नाउ व्हाट नॉट यू हैव टू डू, डोंट डाउट व्हाइल डूइंग दिस और प्रैक्टिसिंग दिस टेक्निक। नो इलेक्ट्रॉनिक, नो राइडिंग ऑन फोन, नो लैपटॉप, नथिंग, नो वेयर, हाथों से ही आपको लिखना है, क्योंकि देयर इज़ ए इंटेंशन बिहाइंड दिस। जब आप अपने हाथों से लिखते हो ना तो क्या होता है, आपकी एनर्जी जाती है, आपका पूरा फोकस होता है, और बार 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 हम कोई चीज़ बोलते हैं तो वो सीधा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ, आपके दिमाग में बैठ जाएगी बात। अगर आप कोई भी चीज़ को बार बार रिपीटेटिवली बोलोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको, वो कॉन्वर्सेशन होने के बाद भी आपको वो चीज़ें याद आएगी। सोचो आप तो लिख रहे हो, तो जब आप अपने किसी चीज़ को, अपने गोल को अचीव करना चाहते हो, इफ़ यू वांट समथिंग टू फुलफिल, और जहाँ पे आप इतना टाइम डाल रहे हो, और जब आप लिखते हो
तो आपकी पूरी एनर्जी, पूरी इमोशंस उसमें जा रहे हैं, तो वो सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्टली जाके हिट करता है और फिर वो जाके आपकी रियलिटी को शेप देता है। लैपटॉप में लिखने से और फ़ोन में लिखने से वो फीलिंग्स, वो इमोशंस आपको नहीं आएंगे जो लिखने से आते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेक्निक व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू क्लोज योर बुक एंड कीप इट असाइड, कीप इट इन अ सेफ प्लेस वेयर नो वन कैन सी। अगर आपने पेपर में लिखा है तो आप चाहो तो रख सकते हो, चाहो तो इसे फेंक सकते हो, टोटली अप टू यू। अगर आप फेंक भी दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने इंटेंशंस वो सब उसमें डाल दिए हैं। टेक्निक ख़त्म हो गई, सब कुछ हो गया, अब वो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है, नथिंग मोर। तो चाहो तो इसे एक याद की तरह, एक मेमोरी की तरह रख सकते हो, एल्स यू कैन थ्रो इट्स, टोटली अप टू यू। अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है ना कि कैसे क्या, कुछ भी सवाल आ जाते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल ही दूंगी। वैसे आज के वीडियो के लिए इतना ही, पर जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज़ बी सेफ व्हाइल ड्राइविंग अ कार और राइडिंग अ बाइक, क्योंकि दुर्घटना से देर भली। एंड ऑल्सो प्लीज़ बी सेफ एट होम। मिलूंगी आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज सोनल अग्रवाल वर्मा सेइंग बाय बाय, लव यू।